मैं पिछले 10 साल में 50 लाख करोड़ रुपए के काम कर चुका हूं, 50 लाख। और मैं ये कहने वाला एक मंत्री हूं कि इस देश में पैसे की कमी नहीं है, इस देश में देश के लिए ईमानदारी से काम करने वाले नेताओं की कमी है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिला 95-2000 में, मैं महाराष्ट्र में मुंबई में मंत्री था। और आप कभी मुंबई जाओगे तो समुन्द्र में एक वर्ली बांद्रा सीलिंग बना हुआ है, वो मुझे बनाने का सौभाग्य मिला। 55 फ्लाईओवर्स बने और मुंबई और पुणे के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया। तब मेरे पास 5 करोड़ रुपए थे, पैसे नहीं थे, और उसमें धीरूभाई थे और रिलायंस का टेंडर मैंने रिजेक्ट किया था, वो 3600 करोड़ का था, यानी आज की कीमत 40,000 करोड़ का। और वो जब रिजेक्ट किया था तो लोग मुझे बोल रहे थे कि वो लोएस्ट आए थे आपने, मैंने कहा थोड़ी बार हम मार्केट में 600 करोड़ के लिए गए तो हमको 1200 करोड़ मिला, 650 करोड़ के लिए 1150 करोड़ रुपये मिला। और उस एक्सपीरियंस ने मुझे सिखाया कि देश में पैसों की कमी नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले, 3-4 महीने पहले हमारे NHI का इनबिट मॉडल मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लॉन्च किया, और उसका पीरियड था 7 डेज का, और वो 7 दिन के बाद, पद्धति ऐसी है कि मैं, मेरा कार्यक्रम तय हुआ था मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में, फिर मैं वो बेल बजाता हूँ और इशू जो होता है उसको ख़त्म करता हूँ। पर उस समय मैं गोवा में था, दूसरे पहले ही दिन 7 घंटे में हमारा बॉन्ड इशू 7 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। तो हमारे मेंबर फाइनेंस ने मुझे फ़ोन करके बताया कि आप जल्दी आओ, जैसे बरसात पड़ती है वैसे पैसा आ रहा है, अब हम इतना ले नहीं सकते, वापस करने में दिक्कत होगी, आप जल्दी मुंबई आइए और बेल बजाइए और इसको क्लोज करिए। मैं गोवा से मुंबई गया तुरंत सुबह दूसरे दिन, बेल बजाई और मैंने बॉन्ड इशू ख़त्म किया, ओवर सब्सक्राइब, टाइम्स ओवर सब्सक्राइब। और ये मैं तो पक्का कह सकता हूँ कि मैं 50 लाख करोड़ का काम कर चुका हूँ, और अभी मुझे और इस बात का मन सोच है कि और 20-25 लाख का कर सकता था, पर वो हो नहीं पाया। इसका कारण ये है कि देश में पैसे की कमी नहीं है, पैसा है, और इसलिए आज पहली बार देश में हमने जो आर्थिक नीति अपनाई है वो आर्थिक नीति क्या ही है, सबसे पहले आप जैसे शुद्ध और सुशिक्षित लोगों ने इस बात को समझना चाहिए। देखिए, हमारे को जब स्वाधीनता मिली तो देश में 3 विचारों का काफ़ी बोलबाला था, एक कम्युनिस्ट विचारधारा था, तो चीन के राष्ट्राध्यक्ष ने हमें आमंत्रित किया था। मैं पहली बार जब शंघाई पहुंचा तो पूरा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में शंघाई में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही थी, और बाद में जब वो पार्टी के साथ डिस्कशन हुआ तो मैंने प्रेसिडेंट को पूछा कि आप जो माओवादी कहते हैं, कुछ मार्क्सवादी कहते हैं, कुछ लेनिनवादी कहते हैं, तो ये लिबरल इकोनॉमी में जो अमेरिकन साम्राज्यवादी लिबरल इकोनॉमिक अप्रोच है ये आपने कैसे स्वीकार किया? कहा कि हमें कुछ मालूम नहीं, देश के हित में जो हमने स्वीकार किया है। तो मैंने उनको कहा कि वो लाल झंडा ही रहा, बाकी सब तुम बदल गए। यही बात रशिया में हुई, और आपको कभी मौका मिला तो पूरा पेस्ट उसका कैपिटल है। मैं उस गार्डन में गया था, एक कोने में 10-12-15 प्रतिमाएं उखाड़ कर फेंक के वहां रखी हुई है। तो मैंने कहा ये प्रतिमाएं किसकी है? वो मार्क्स से लेकर लेनिन तक सबकी, कम्युनिस्ट विचारधारा के जो लोग थे उनकी प्रतिमाएं उखाड़ उखाड़ कर एक फेंक दी थी लोगों ने, वो एक गार्डन में कोने में रखी हुई है। यानी कम्युनिस्ट विचारधारा, यशेश फर्नांडिस, मधु दंडवते, मृणाल गोरे, एसएम जोशी, नाग गोरे, जॉर्ज फर्नांडिस, स्टॉलवर्ट नेता थे। जॉर्ज फर्नांडिस का मेरा बहुत घनिष्ठ संबंध था, मैं मुंबई में अक्सर, वो मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते थे, मैं उनको अपना आइकॉन मानता हूँ। पर समाजवादी विचारधारा के आधार पर उन्होंने भी देश में अनेक समय के तकीजा देखा कि टुकड़े हुए 1000, कोई यहाँ गिरा कोई वहाँ गिरा, ऐसी हालत हो गई। फिर एक स्वतंत्र पार्टी थी, और स्वतंत्र पार्टी ये लिबरल इकोनॉमी के आधार पर, अमेरिका की जो नीतियाँ थी उसके आधार पर चलती थी, गुजरात और महाराष्ट्र में थी, वो भी खत्म हो गई। और कांग्रेस पार्टी ने सोशलिस्ट अप्रोच स्वीकार किया था, वो भी नीतियाँ लगभग फेल हो गई। बड़े बड़े होटल्स उस समय सरकार ने डाले,
स्टील इंडस्ट्रीज डाली, पर कहीं इस बातों के लिए सरकार के बजट से पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं थी। सही में पैसे की जरूरत खर्चा करने के लिए वहाँ थी जहाँ लोग गरीब है, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जहाँ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती, वहाँ सही में जरूरत थी। और जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री था तो मैंने मुंबई में फ्लाईओवर्स पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाए, ये वर्ली बांद्रा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, मुंबई पुणा पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बनाए, और जो पैसे बच गए वो महाराष्ट्र के 16,000 गाँवों को मजबूत रोड से बोड़ने बनाने के लिए वो पूरा पैसा मैंने उनको अलॉट किया, जो गरीबों के लिए फायदे का था। द इंस्पायरेशन बिहाइंड पब्लिक प्राइवेट मैनेजमेंट वॉज गिविंग मोर प्रायोरिटी टू रूरल एग्रीकल्चर एंड ट्राइबल पीपल हु आर सोशली इकोनॉमिकली एजुकेशनली बैकवर्ड, और जहाँ पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट संभव नहीं थी। पूरी नीतियाँ गलत होने के कारण हवाई अड्डे नहीं बने। आज देखिए हवाई अड्डे पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बने तो 100 बन गए, रोड तो इतने बन गए हैं कि दिल्ली से हमने एक मेरठ का रोड बनाया, पहले 4.5 घंटे लगते थे, अब तो केवल 40 मिनट में होता है। दिल्ली से दिल्ली मुंबई हाईवे बना, 48 आवर्स लगते थे, अब 12 घंटे में होगा, लगभग दिसंबर तक पूरा होगा। दिल्ली से डेहराडून 9 घंटे लगते थे, हमारा रोड दिसंबर में इनॉग्रेट होगा, 2 घंटे में होगा। हरिद्वार 1.5 घंटे में होगा, 3.5 घंटे लगते थे, 1 घंटे में हुआ। अब चेन्नई से बेंगलोर पूरा हो रहा है, उसको 6 घंटे लगते थे, 2 घंटे में होगा। तो पूरी तरह आप देखिए, हमारे बचपन में हम भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पर आज मुझे पहली बार इस बात का एहसास होता है, मनाली से तो रोहतांग पास जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब अटल टनल बनाई है तो 8 मिनट में निकल जाते हैं। के बीच में से हम लद्दाख लेह की तरफ जब जाते हैं तो हम 8 टनल बन रहे, 4 बन गई, 4 का काम शुरू है। तो कारगिल के नीचे हम लोग आशिया की सबसे बड़ी टनल बना रहे, जोजिला, उसका 70-75% काम हुआ है। 5 बार उसका टेंडर निकला था, 12,000 करोड़ उसकी कॉस्ट थी, हमने साल भर मेहनत करके इतना अच्छी टनल बना रहे तो हमने 5,000 करोड़ बचाए और केवल 5,200 करोड़ में कॉन्ट्रैक्ट किया।